थैंक यू. ओह ओके ओके. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद इनको कोई कंफ्यूजन हो गया या कुछ है. ये लोग वो स्किट्स ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मेरे को देनी है, बट इनको अभी तक मिल नहीं रही. लेकिन वो थोड़ा सा ना हल्के होते हैं तो वो इजीली उतार लेती है. ये देखो मैंने बालों में सिर्फ एक ही क्लिप लगाया है, दूसरा मुझे मिला ही नहीं सुबह. ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मुझे ना लास्ट मोमेंट पे कोई चीजें नहीं मिलती. ठंड ऐसे है कि लगभग होगी 4 डिग्री या 5. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. और अभी ना मैं अपने काम पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ. आज थोड़ी लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है बिकॉज आज ना मैं टाइम पर ही आ गई और मुझे था कि मैंने कहा चलो आराम से फिर बाद में स्टार्ट करते हैं. सो अभी मैं एक कंपनी में आ गई हूँ और आज जो डिस्पैचर है वो मतलब आज आया नहीं है, तो उसकी जगह पे जो शाम वाली डिस्पैचर है वही सुबह आ गई. और उसने इतनी जल्दी सारा पेपर सब कुछ तैयार कर दिया ना कि मतलब उसने जैसे ही पंचन किया वैसे बोलती है जाओ. लेकिन सो मैं जल्दी आ गई हूँ कंपनी में. यहाँ पे एक डिलीवरी है, इसके बाद 2 डिलीवरीज और हैं और फिर देखते हैं कहाँ की पिकअप्स हैं. ये देखो मैंने बालों में सिर्फ एक ही क्लिप लगाया है, दूसरा मुझे मिला ही नहीं सुबह. मतलब मैं इतनी ज्यादा ढूंढ रही थी कि कहाँ है वो मेरी क्लिप दूसरी, और मुझे एक ही मिली. फिर मैंने कहा चलो एक ही लगाते हैं, शायद बैग में कहीं पड़ी होगी. सो इसलिए आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, एक ही मिली सो एक ही लगाया. ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मुझे ना लास्ट मोमेंट पे कोई चीजें नहीं मिलती. आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा हो जाता है कि कब मैं कुछ भी भूल जाती हूँ. चलो भूलना तो एक डिफरेंट बात है, बट ऐसा होता है कि मुझे वॉशरूम में भी चीजें नहीं दिख रही होती कि अरे मेरी क्लिप्स किधर पड़ी हैं, अरे ये किधर है. और लास्ट मोमेंट पर ही मतलब मैं शाम को घर पहुंच भी गई तो मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दूंगी. और मॉर्निंग में मुझे इन सब चीजों पर ऐसा रहता है कि कहाँ है मेरा चीज सामान, वो सामान. आप लोगों को याद हो मैंने पहले ये दिखाया था कि यहाँ पे रिलायंस का बोर्ड लगा था और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था. मतलब कितना टाइम हो गया, महीनों बीत गए, अब तो 1 साल होने को आ रहा होगा और इनका अभी तक कंस्ट्रक्शन ही नहीं खत्म होता. यहाँ का ऐसा ही है, यहाँ पे एक बार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तो सालों साल रहता ही है. सो ये यहाँ पर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है. मतलब वो सामने वाली बिल्डिंग तो चलो उन्होंने बना दी, बट स्टिल अभी भी सारा यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है. सो अभी मैं यहाँ से कंपनी से निकलने लगी हूँ और आज भी धूप नहीं है बट हल्के हल्का जैसे होते नहीं बादल आए हुए हैं, लेकिन ठंड है थोड़ी. ठंड ऐसे है कि लगभग होगी 4 डिग्री या 5, मतलब अभी तो 5-6 तक ही होगा बस, बट हाँ इतनी है कि थोड़ा मतलब ऐसे एकदम ही वैसे नहीं रह सकते जैसे बिल्कुल ही समर आ गया है, बट बीच का मौसम चल रहा है अभी. मैं वो वाली लोकेशन पे पहुंच रही हूँ जो मतलब मेरी सेकंड डिलीवरी है, यहाँ पर सेकंड डिलीवरी करनी है. सो यहाँ पर ना क्या है कि जो मतलब जो देती है स्टॉफ जितने भी पैरेंट्स इसके, वो लड़की ही है. और यूजली यहाँ पर कोई डोर नहीं होती, ये जस्ट ऑटो रिपेयर्स काइंड ऑफ है. यहाँ पे सिर्फ कार के सब के पार्ट्स का ही होता है. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी वो जगह है. वहाँ पर ना कोई डोर है, ना कुछ लेना देना है इन सब चीज़ों का, सिर्फ ऐसे ही सड़क पर लगा के ट्रक को. हल्के होते हैं तो वो इजीली उतार लेती है.
उसके लिए पहले से एक काम करके रखा है, मैंने थोड़ा आगे रख दिया स्किट्स, मतलब इतनी हल्की होती है ना कि उसे कोई भी आगे ऐसे खींच के ला सकता है। तो मैं भी इसको डोर ओपन कर देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना ऐसे पहले से ही कर रखे हैं साइड में ताकि उसको उतारने में इजी हो। इधर की भी डोर को ओपन कर देती हूँ। ये काफी हार्ड है डोर। तो वो अभी किसी को लेने गई है क्योंकि ये वाली जो स्किड है ये थोड़ी सी हैवी है, मतलब तो इतना नहीं है बट उतारने में थोड़ी सी लगेगी। ओके थैंक यू। ओके ये ना मैं एक और कंपनी में आई हूँ, इसमें मैं पहले भी आई थी और एक बार मैंने ना यहाँ पर आकर सीधे ट्रक अंदर ही ले गई थी और यहाँ पर कुछ भी यू टर्न नहीं था, अंदर से ट्रक को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। सो उस दिन के बाद से अब मैं यहीं पर ही ट्रक को खड़ा कर देती हूँ, यहीं पर ही पार्क करके अब वेट करती हूँ बिकॉज वो बाहर ही फोर्कलिफ्ट लेकर आएंगे एंड फिर इसमें दो पैलेट्स रखने होंगे। ये एक ना मतलब कंपनी गली से में है, बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया में है और काफ़ी ही छोटी कंपनी है, मतलब छोटी तो चलो है ही बट अंदर जाने का तो इनका कोई वे ही नहीं है। छोटे ट्रक तो फिर भी जा सकते हैं, बड़े ट्रक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अभी मैं वेट कर रही हूँ। जब मैं पहले आई थी इस कंपनी में तो मुझे लगा था कि इनका कोई यहाँ से डोर होगा जाने का बट कोई डोर नहीं था और मुझे याद है कि मैं फंस गई थी और फिर ऐसे ही बैक जाना पड़ा था मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद इनको कोई कंफ्यूजन हो गया या कुछ है, ये लोग वो स्किट्स ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मेरे को देनी है बट इनको अभी तक मिल नहीं रही। मुझे ना एक कंपनी जाना है, मतलब अभी ये थर्ड या फोर्थ नंबर की कंपनी है और क्या प्रॉब्लम हुई है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना आज हर जगह पर कि पता नहीं कब तक पहुँचूँगी मैं उस कंपनी में और पूरी यहाँ पर देखो ट्रैफिक लग रहा है अभी और बंद ऑलमोस्ट 4 बजे हो जाएगी कंपनी एंड 4 बजने ही वाले हैं। सो आई डोंट नो मैं कितनी कंपनियों से पिकअप कर भी पाऊंगी या नहीं। पूरे में जाम लग रहा है, उतना ज़्यादा है ना इस टाइम पे ट्रैफिक। बैठा हुआ है फ्लफी अपनी ये बोन लेके, ये एक्चुअली मुझे लगा था पहले कि चिकन बोन है बट ये है वेजिटेबल बोन। इसके जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े सारे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। सो ये ऐसे ही बैठा हुआ है अभी, अभी इसका मूड नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ये पिस्ता खा के चुका है ना। हेलो कर दो सबको, एक भौंकी मार दो, हेलो हो जाएगा। नहीं करना उसे, अभी काफ़ी देर खेल के चुका है और अब ऐसे बैठा है। अपनी ये हड्डी नहीं खानी, मैं जैसे इसको हाथ लगाऊंगी ना ऐसे गुस्सा करेगा, मतलब ऐसे आ जाएगा तब तो कि हाँ लाओ मेरे को दे दो, और वैसे अपने पास ही रखनी है इसने। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने अपार्टमेंट में और थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। इस ब्लॉग की एंडिंग में यहाँ करने लगी हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।